नमस्कार, शाम के 4:30 बजे हैं। मैं हूं आपके साथ संजय यादव और आप देख रहे हैं जी राजस्थान। जिस तरीके से बाबाओं के प्रति अंधश्रद्धा में लोग सच्चाई से बेखबर अपने गुरुओं के प्रति भक्ति भावना दिखाते हैं, फिर चाहे उनके गुरु बाबा होने का वेष ही क्यों न लगाते हों, ठों क्यों न करते हों, और कलयुग में धर्म का धंधा करने वाले एक और बाबा पर अब रेप का संगीन आरोप लगा है। नाम है दाती महाराज। पहले आसाराम, फिर गुरमीत राम रहीम, फिर वीरेंद्र देव दीक्षित और अब दाती महाराज। धर्म का चोला ओढ़कर आम लोगों को पाप और पुण्य का उपदेश देने वाले बाबाओं की पोल पिछले कुछ सालों से लगातार खुलती जा रही है। पहले आसाराम पर रेप का आरोप लगा, आसाराम को कोर्ट ने दोषी करार दिया, अब वो गुनाहों की सजा काट रहा है। राम रहीम को भी कोर्ट ने रेप का दोषी माना था। दिल्ली में धर्म का धंधा करने वाला वीरेंद्र देव दीक्षित रेप का आरोप लगने के बाद से फरार है। पुलिस उसे तलाश कर रही है। अब लोगों की शनि की 7.5 से मुक्ति दिलाने का दावा करने वाले दाती महाराज पर रेप का आरोप लगा है। दाती महाराज पर उनकी एक शिष्या ने ही रेप का आरोप लगाया है, मुकदमा दर्ज करवाया है। ये सब देखकर यही कहा जा सकता है कि अरे भाई, ऐसे बाबाओं से जरा बच के रहे। तो वाकई में अक्सर टीवी पर दिखने वाला एक चेहरा जो अपनी ज्योतिषीय गणना से औरों का भूत भविष्य बताता रहा हो, जिसके लाखों के तादाद में भक्त बन गए हों, अब उसके भविष्य पर कानून की तलवार लटक रही है, वही शख्स अब घिर गया है बलात्कार के संगीन आरोपों से। स्वयंभू बाबा पर टेढ़ी हुई शनि की दृष्टि, दाती महाराज पर बलात्कार का आरोप, रेप के अलावा कई धाराओं में दर्ज हुआ केस। पीड़ित लड़की ने खोली बाबा की पोल, खुद को मानता है शनिधाम का पीठाधीश्वर। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में स्थित है मंदिर। मामला दर्ज होने के बाद से फरार है दाती महाराज। शनि को मित्र बताने वाले बाबा से शनि की शत्रुता। टीवी और सोशल मीडिया पर छाया रहने वाला दाती महाराज अब पुलिस के निशाने पर है। जाने कितने बड़े चेहरों को अपने आध्यात्मिक जाल में फंसाकर सबका गुरु बनने वाला दाती महाराज बलात्कार के आरोपों से घिर गया है। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में स्थित शनि मंदिर के संस्थापक दाती महाराज मदन राजस्थानी पर उत्तर प्रदेश की रहने वाली उनकी एक शिष्या ने संगीन आरोप लगाए हैं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने सोमवार को धारा 376, 377, 354 और 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऐसे बाबा वैसे तो पाप पुण्य के बीच का भेद खूब समझते हैं, लेकिन उनके खुद की समझ को अब जरा आप भी समझ लीजिए, जो उनको एक गुनाहगार के तौर पर बेपर्दा कर। ये जिंदगी परमात्मा का अनमोल उपहार है और इसे जीना चाहिए। थोड़ा सा मुस्कराइए। धर्म कर्म की बातें, क्योंकि दाती महाराज आपके साथ है और आराध्य से प्रार्थना करके आता हूँ कि पुण्य और पाप का फर्क बताते बाबा। लाख कोशिशों के बावजूद भी कारोबार में सफलता नहीं। लोगों को पाप से दूर रहने का प्रवचन देते बाबा। काले कपड़े में दिखने वाले बाबा का काला कारनामा जब बाहर आया तो भक्त हैरान रह गए, दुनिया परेशान रह गई और धर्म के धंधे का एक और काला सच दुनिया के सामने आ गया। दुनिया को शनि के कोप से बचाने का मंत्र देने वाले दाती महाराज पर खुद शनि की 7.5 सवार हो गई। दाती महाराज की एक शिष्या ने बाबा पर रेप का सनसनीखेज आरोप लगाया है। 25 साल की लड़की ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल चेकअप कराया। दाती महाराज के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 376 और 377 के तहत केस दर्ज किया गया। इस केस में भी रेप की कहानी कुछ वैसी ही है जैसे बाकी बाबाओं के केस में थी। पीड़ित के मुताबिक उसका परिवार दाती महाराज का भक्त है। पीड़ित अपने पिता के साथ दाती महाराज के आश्रम में आई थी। वो पिछले कई सालों से आश्रम में शिष्या बनकर रह रही थी।
आरोप है कि आश्रम में रहने के दौरान दाती महाराज ने दिल्ली और राजस्थान के पाली आश्रम में उससे दो बार रेप किया। आरोप है कि दाती महाराज के अलावा उसके दो साथियों ने भी पीड़ित को हवस का शिकार बनाया। पीड़ित के विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित के मुताबिक आश्रम में रहने वाली एक साध्वी ने उसे दाती महाराज के पास भेजा था। पीड़ित की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने दाती महाराज समेत तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस अब इस मामले में दाती महाराज से पूछताछ करने की तैयारी में है। पहले आसाराम, फिर गुरमीत सिंह, फिर वीरेंद्र देव दीक्षित और अब दाती महाराज एक के बाद एक बाबाओं पर संगीन आरोप लगे हैं। आसाराम और गुरमीत सलाखों के पीछे हैं, तो वीरेंद्र देव दीक्षित फरार हैं। बाबाओं पर लगे संगीन आरोप के बाद सवाल ये कि आखिर धर्म की दुनिया में ऐसे धंधेबाजों का क्या काम, और सवाल ये भी कि धर्म के नाम पर धंधा करने वाले और कितने काले चेहरों का पर्दाफाश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आम जनता के बीच एक बाबा के तौर पर खुद को भविष्य वक्ता बताने वाले बाबा भी बलात्कारी बाबाओं की लिस्ट में ये भी शामिल हो चुका है। चलिए आपको बताते हैं दाती महाराज पर किन किन धाराओं में आखिर मुकदमा दर्ज किया गया है और पीड़ित ने इस बाबा पर आखिर क्या कुछ आरोप लगाए हैं। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में स्थित शनिधाम के संस्थापक दाती महाराज के खिलाफ उनकी एक शिष्या ने यौन शोषण का आरोप क्या लगा दिया। दाती महाराज की इतने दिनों की बनाई जमीन हिल गई। आरोप भी ऐसे कि बाबा के चोले में एक पाखंडी नजर आने लगा। यूपी की रहने वाली पीड़ित लड़की दाती महाराज की शिष्या रही है, जिसने दिल्ली पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। मानो बाबाओं पर शामत आ चुकी है और इस बार बाबा दाती महाराज का नंबर लग रहा है। दाती महाराज पर एक दुष्कर्म का आरोप है और दाती महाराज ने पाली और यहाँ दिल्ली स्थित छत्रपुर में आश्रम खोल रखे हैं। आश्रम में और आश्रम के अलावा शिक्षा देने के बहाने लड़कियों को यहाँ रखा जाता था और लड़कियों के साथ में दुष्कर्म का आरोप अब लगाया गया है। अब बताया जा रहा है कि दाती महाराज कहीं छुपे हुए हैं, अभी बाहर नहीं आ रहे हैं और अब गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। तो ये दिल्ली स्थित छत्रपुर के आसपास या उनका आश्रम है। इस आश्रम में इनका बहुत बड़ा हर शनिवार और अमावस्या को भंडारा चलता है, लेकिन आज अमावस्या के दिन यहाँ सुनसान सा लग रहा है। और यहाँ हम जब जैसे ही पूछने के लिए गए तो वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे लेकिन कोई जानकारी नहीं दे पा रहे थे। जांच के बाद पुलिस ने सोमवार को दाती महाराज पर दुष्कर्म की धारा 376, अप्राकृतिक तरीके से यौन संबंध की धारा 377, छेड़छाड़ की धारा 354 और इसके अलावा एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध की धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने तीन अन्य को भी इस मामले में अभियुक्त बनाया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में ज्यादा कुछ बोलने से बच रही है। लड़की ने अपनी शिकायत में कहा कि शनिधाम के अंदर 2 साल पहले महाराज ने उसका यौन शोषण किया था। समाज में बदनामी और नुकसान पहुंचाए जाने के डर से उसने पहले शिकायत नहीं की थी। महिला का आरोप है कि फरवरी 2016 में उसके साथ एक बार शनिधाम में और एक बार राजस्थान में दुष्कर्म हुआ। इस हाई प्रोफाइल केस में पुलिस भी हर तरह से मामले को पुख्ता करने के बाद कदम बढ़ा रही है। फिलहाल दाती महाराज भी अब ऐसे स्वयंभू बाबाओं की फहरिस्त में शामिल हो चुका है जो पर्दे के सामने कुछ और पर्दे के पीछे अश्लीलता का काला अध्याय लिख रहे होते हैं। रिपोर्ट के साथ दिल्ली से मनोहर बिश्नोई, जी मीडिया। तो इसीलिए हमने लिखा है कि ऐसे बाबाओं से बच के रहना, क्योंकि ऐसे बाबा भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, उनसे सब कुछ लूट लेते हैं, उसके बाद उनकी अस्मत से भी खिलवाड़ करते हैं। अब सोचिए ऐसे बाबाओं के ऊपर कितना भरोसा आम जनता करती है। इनको भगवान का स्वरूप मानती है, उनका पूजा पाठ करती है, उनके बातों में आकर सब कुछ करती है, लेकिन उसके बाद जब उनके साथ धोखा होता है तब क्या कुछ हाथ में आता है, तब तक बात बिगड़ जाती है। मनोहर इस वक्त हमारे साथ है। मनोहर, वाकई में दाती महाराज पर आरोप लगना
ये अपने आप में साबित करता है कि भाई ऐसे बाबाओं पर आंख बंद करके भरोसा करना खुद को जाल में फंसाना है। माना जाता है और इस आध्यात्मिक देश में ऐसे बाबाओं पर, धर्म पर और जो आध्यात्मिक बातें करते हैं उन पर भारत के जो लोग हैं वो विश्वास करते थे, लेकिन इन बाबाओं ने उनके विश्वास के साथ में विश्वासघात किया है और उनके विश्वास को इस तरीके से खंडित किया है कि अब लोगों का भरोसा उनसे उठने लगा है। जिस तरीके से लगातार एक एक करके बाबाओं की जो करतूत सामने आती जा रही है, तो अब एक नया जो सामने आ रहा है दाती महाराज का, जो बताए जा रहे हैं कि लंबे समय से समाज सेवा में जुड़े हुए थे, कई गतिविधियां चला रहे थे, लेकिन अब एक दुष्कर्म का उन पर आरोप लगना अपने आप में बहुत बड़ा। मनोहर, लेकिन एक चीज जानना चाहेंगे, इस रिपोर्ट के दर्ज होने के बाद क्या कुछ अब तक पुलिस ने कार्रवाई की है? कहा जा रहा है कि दाती महाराज फरार चल रहे हैं, क्या उनसे बातचीत हो पाई है, कहां पर है, पुलिस की कार्रवाई में क्या कुछ आगे? जी, अभी तक पुलिस की कार्रवाई में अभी तक कोई आगे नहीं बढ़ पाई है, क्योंकि बाबा को लेकर के हमने यहाँ जो दिल्ली छतरपुर उनका एक आश्रम है वहां पर हमने प्रयास किया वहां पहुंचने की, वहां के लोगों से बात की, लेकिन वहां पर भी बाबा नहीं थे। बताया जा रहा है कि राजस्थान में जो आश्रम है वहां पर भी कोई बाबा नहीं मिल पा रहे हैं, बाबा कहीं छुपे हुए हैं। और ये कह रहे हैं कि अभी जो आसपास के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं है इस मुद्दे पर, हमें कोई बात नहीं करनी है। दूसरा ये है कि जो आश्रम और उनके आसपास जो एक हमेशा रौनक रहा करती थी वो सन्नाटा छाया हुआ है, तो इससे ये पता चलता है कहीं ना कहीं कुछ काला तो जरूर है। चलिए मनोहर, शुक्रिया इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि इस वक्त दाती महाराज फरार चल रहे हैं और कुल मिलाकर कहा जाए कि पुलिस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी या फिर लोकेशन नहीं मिल पाई है कि दोनों आश्रमों में से कहां है दाती महाराज या फिर कहीं और गायब है। तो सही कहा गया है कि ऐसे बाबाओं से बच के रहना ही चाहिए। खैर, अब आपको बताते हैं कि ऐसे बाबाओं में कौन कौन से बाबा ऐसे रहे हैं जिनका राजस्थान से कनेक्शन रहा है, लेकिन दाती महाराज का भी राजस्थान से अटूट कनेक्शन है। ये जिंदगी परमात्मा का अनमोल उपहार है और इसे जीना चाहिए। थोड़ा सा मुस्कराइए। टीवी और सोशल मीडिया पर छाए रहने वाले स्वयं बाबा दाती महाराज ने दिल्ली में शनिधाम बनाया और वहीं से शुरू हुआ शनिदेव के नाम पर लोगों को भरमाने का सिलसिला। दिन बीतते गए, दाती महाराज और ज्यादा मजबूत होता गया। अपने ही जैसे तमाम बाबाओं की बिरादरी में दाती महाराज का कद बढ़ता चला गया, भक्तों की तादाद भी बढ़ी, तो सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स भी बन गए। शनिधाम पर जाने वाले बताते हैं कि दाती महाराज अपने आश्रम पर बड़े महफूज तरीके से रहता रहा है, यहाँ तक कि उससे मिलने से पहले लोगों को कई तरह की सुरक्षा जांच से होकर गुजरना पड़ता है। देश भर में दाती महाराज के नाम से फेमस ये बाबा दरअसल राजस्थान के पाली जिले का रहने वाला है। जिले की सोजत तहसील के आलावास गाँव में दाती महाराज मदन राजस्थानी का जन्म 10 जुलाई 1950 को हुआ था। जानकारी के मुताबिक 4 साल की उम्र में मां गुजर गई और 7 साल की उम्र में दाती महाराज पहाड़ी कंदराओं में निकल गया। जानने वाले तो ये भी मानते हैं कि दाती पर कुछ दैवीय कृपा रही है, शायद इसी बात को उसने अपना हुनर बनाकर खुद को बना लिया स्वयं भू दाती महाराज। ये वो दाती महाराज है जो लोगों से दावा करता रहा कि शनि शत्रु नहीं मित्र है। अपनी इसी आध्यात्मिक थ्योरी के बल पर दाती महाराज लोगों को खुद की तरफ खींचता रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि पाखंड का घड़ा तो एक ना एक दिन फूटता ही है, और इस बात का सबूत तो खुद वो तमाम कथित बाबा दे रहे हैं जो ऐसे ही किसी ना किसी आरोप में जेल में बंद है। अब इसी फहरिस्त में शामिल हुआ एक और बाबा जो लोगों को उनका भविष्य बताता, या यूं कहें कि बाबागिरी से उनका भविष्य तय करता रहा है। खुद उसका भविष्य क्या होगा अब उसे ये तो कानून ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सिर्फ दाती महाराज ही नहीं बल्कि कई ऐसे बाबा हैं जिनका राजस्थान से कनेक्शन रहा है।
आखिर कौन कौन से वो बाबा हैं जिनकी गुनाहों की कहानी राजस्थान की जमीन पर लिखी गई, चलिए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दाती महाराज, एक और स्वयंभू बाबा दाती महाराज पर रेप के आरोप लगे। दाती महाराज पर दिल्ली में बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और तभी से दाती महाराज फरार हैं। दरअसल यूपी के रहने वाली एक शिष्या ने ही दाती महाराज पर बलात्कार का आरोप लगाया है। धर्म की आड़ में पाखंड का कारोबार चलाने वाले बाबाओं की फेहरिस्त में एक नया नाम जुड़ा है, दाती मदन महाराज का। और इस बार फिर शिकार हुई है उत्तर प्रदेश की एक युवती। कुछ सालों पहले जहां आसाराम के खिलाफ उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की एक युवती ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था, तो वहीं अब दाती मदन महाराज के खिलाफ उत्तर प्रदेश की एक युवती ने यौन अपराध का मामला दर्ज करवाया है। जैसे जैसे इन बाबाओं के कारनामे सामने आ रहे हैं, लोगों का इन बाबाओं से विश्वास उठता जा रहा है। वैसे दाती महाराज के अलावा कई और बाबाओं का राजस्थान से कनेक्शन रहा है। आइए बताते हैं पाखंड की इस लिस्ट में और कौन कौन रहा है शामिल। आसाराम, दुष्कर्म के आरोप में आसाराम इन दिनों जोधपुर सेंट्रल जेल में कैद है। यूपी के शाहजहांपुर की रहने वाली पीड़ित की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 14 अगस्त को पीड़िता का परिवार आसाराम से मिलने उनके जोधपुर आश्रम पहुंचा था। इसके अगले ही दिन 15 अगस्त की शाम आसाराम ने 16 साल की पीड़िता को ठीक करने के बहाने अपनी कुटिया में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी मामले में करीब 5 साल जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काटने के बाद जब आरोप साबित हुए तो आसाराम उम्र कैदी बन गया। धर्म की आड़ में गिनोने काम करने के संतों और महात्माओं पर एक के बाद एक देश भर में मामले सामने आते रहे हैं। आसाराम के बाद राम रहीम पर और अब एक सनीधाम के संस्थापक दाती महाराज पर उन्हीं की शिष्या ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। राम रहीम, 13 सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाते हुए डेरा की एक साध्वी ने मई 2002 में गुमनाम पत्र तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था। इस मामले में जांच के बाद राम रहीम को रेप के मामले में पंचकुला की सीबीआई अदालत ने 25 अगस्त 2017 को दोषी करार दिया था। इसी दौरान करीब 4 साल पहले जयपुर डेरे से गायब हुई लड़की के मामले में भी राम रहीम की मुश्किलें बढ़ी। फिलहाल राम रहीम 2 साध्वियों के साथ रेप के मामले में 20 साल की सजा काट रहा है। भले ही मेरे पीछे ये नजारा रोहतक जेल का है जहां दुष्कर्म के आरोप में राम रहीम बंद है, लेकिन कमावेश दिल्ली में भी दाती महाराज का नाम के खुलासा हुआ है जिसने बलात्कार के जिसके ऊपर संगीन आरोप लगे हैं। हरहारी बाबा, राजस्थान के अलवर के जाने माने बाबा 77 साल के कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य फलारी महाराज पर दुष्कर्म का आरोप लगा। 23 सितंबर 2017 को फलारी बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली 21 साल की एक लड़की ने बाबा पर बिलासपुर थाने में ही 0 FIR दर्ज करवाई थी। कुल मिलाकर यूं कहें कि हमेशा दूसरों को प्रवचन और पूजा पाठ की सीख देने वाले बाबाओं के पाखंड की दुकान कुछ इस तरह ही बंद हो रही है। लेकिन सवाल तो उन लोगों की श्रद्धा का है जो ये सब देखने के बाद भी भक्ति में लीन रहना चाहते हैं। आखिर उनकी आंखें कब खुलेंगी? लखनऊ से उत्कर्ष चतुर्वेदी, जोधपुर से भवानी भाटी, रोहतक से राज टाकिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसे बाबाओं से बच के रहिए। आसाराम, राम रहीम, दाती महाराज, ये धर्म के नाम पर आपको ठगते थे और इनसे वाकई में बचकर रहने की जरूरत है। लेकिन उधर एक और ठगी का धंधा इस वक्त चरम पर है, ये है ऑनलाइन ठगी का धंधा, जिससे भी आपको बचने की बेहद जरूरत है। अगर आपको ऑनलाइन खरीद और बेचने वाली कंपनी यानी वेबसाइट OLX पर सस्ते दामों में खरीदने और बेचने का कोई विज्ञापन दिखाई देता हो, उस विज्ञापन को देखकर अगर आप इलाके में कार खरीदने जा रहे हो तो सावधान हो जाइए। पूरी तरीके से जांचें परखें, उसके बाद ही इस डील पर आगे बढ़ें।
सस्ते कार खरीदने से पहले हो जाइए सावधान। ऑनलाइन ऐड के झांसे में ना